देखिए, पांच दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है जिसका आज दूसरा दिन है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर को 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें 543 सीटों के लिए 7 या 8 फेज में चुनाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव संभव है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 से 4 चरण में चुनाव संभव है। विज्ञान भवन में होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी हो जाएगी लागू। तो अब हर किसी की नजर है चुनावों पर, चुनावों की तारीखों पर। और आज दोपहर 3 बजे होनी है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही, चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा के 4 राज्यों में भी होगी चुनाव की घोषणा। अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, इन सबके लिए भी आपको बता दें चुनाव की घोषणा संभव है। तो आज 3 बजे होनी है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 चरणों में चुनाव संभव है। दोनों चुनाव आयुक्तों के कामकाज संभालते ही आयोग का चुनावी कार्यक्रम घोषित करने का यह फैसला लिया गया है। और देखिए पलक, क्योंकि लगातार आप ये तो बता रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें 2024 चुनाव की, तो ये चुनाव कितना बड़ा है एक बार दर्शकों को ये भी समझा देते हैं। देखिए, कुल वोटर की अगर बात करें तो 96.88 करोड़ है। पुरुष वोटर की इसमें बात करें तो 49.72 करोड़ है। महिला वोटर की बात करें तो 47.15 करोड़ वोटर्स हैं। तो वहीं 18 से 19 साल की वोटर्स की अगर बात करें तो 1.84 करोड़ वोटर्स हैं। और साथ ही साथ 20 से 29 साल के वोटर्स की अगर बात करें तो 19.74 करोड़ है। कुल वोटर्स 96.88 करोड़। और सोचिए कि कितना बड़ा ये 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है जब ये वोटर्स घर से बाहर जाएंगे और वोट करते हुए नजर आएंगे।